विदेशी बकरी की नस्ले डसले नहीं तो फसले। चलो भाई आ गए हैं। देखो बहुत छोटा और प्यारा सेशन रहेगा पर चीज़ें याद हो जाएगी, और याद करना ही हमारा उद्देश्य है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न याद की बात है। तो सब नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विदेशी बकरी की नस्लें। तो विदेशी बकरी की नस्लों में सबसे पहला जो नाम होता है वह होता है सानेम। सन सनन साएं साएं हो रही थी खेत में, आपने कभी गाना सुना हो, तो ये हमारे पास में एक नस्ल है जिसका नाम है सानेन। सबसे पहले इसके बारे में याद होना चाहिए कि सानेन कहाँ की है, तो ये है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड, मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी का जो खाता है वह स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में हो, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड से आई है सानेन। सानेन नाम की जो बकरी है विदेशी बकरी है स्विट्जरलैंड से आई है। स्विट्जरलैंड से आने वाली यह जो बकरी है, इस बकरी का दूध उत्पादन अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 लीटर प्रतिदिन दूध देती है पर डे। बकरियों में सबसे ज़्यादा प्रतिदिन दूध देने वाली नस्ल है सानेन, इससे ज़्यादा प्रतिदिन दूध कोई नहीं देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसका मिल्क किंग टाइम पीरियड मतलब दुग्धावस्था काल कितने दिनों तक देती है, तो यह गाय भैंस की बराबरी करती है, 8 से 10 महीने तक दूध देना चाहती है क्या देती है, ठीक है। तो 8 से 10 महीने तक दूध देती है, 3 से 4 लीटर रोज दूध देती है, इसीलिए इसे हम दूध की रानी कहते हैं। दूध की रानी। तो परीक्षा के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, दूध की रानी किसको कहते हैं, तो सानेन को, मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा दूध, सबसे लंबा दुग्धावस्था काल जिस बकरी का है उस बकरी का नाम है सानेन। रहने वाली कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की। अब भाई रानी है तो रानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो रंग है। तो रानी का रंग कैसा है, गोरा, गोरा मतलब सफ़ेद, सफ़ेद रंग की बकरी है। कान इसके छोटे और खड़े होते बिस्किट जैसे होते हैं, तो बिस्कुटी कान है, स्कूटी नहीं बिस्कुटी। नंबर लाओ स्कूल में ज़्यादा तो सरकार से मिलेगी तुमको स्कूटी, पर यहाँ पर कान है बिस्कुटी। फिर अगर हम बात करें तो इनमें उभयलिंगी बच्चे होते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है वह सानेन के बारे में हमको याद होना चाहिए। तो सबसे सरलतम प्रश्न आता है, दूध की रानी किसको कहते हैं, सानेन को। सानेन किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है, विदेशी नस्ल है, ठीक है। सानेन के बाद में दूसरी विदेशी बकरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी वाली बकरी जो विदेशी बकरी है उसका नाम है अंगोरा, जिसका अंग अंग हो गोरा उसका नाम है अंगोरा। तो अंगोरा जो है इसका उत्पत्ति स्थल अगर देखा जाए है ना, तो इसका उत्पत्ति स्थल मध्य एशिया है। मध्य एशिया, एशिया महाद्वीप का मध्य वाला हिस्सा मध्य एशिया। मध्य एशिया के अंदर जो है वो चीन है, और चीन से ही जुड़ा हुआ हिस्सा है तिब्बत। तो चीन तिब्बत की यह नस्ल होती है। अब यह चीन तिब्बत की ये जो नस्ल है, इसके शरीर पर हमको 13 से 15 सेंटीमीटर लंबे, ठीक है, 13 से 15 सेंटीमीटर लंबे मुलायम चमकीले रेशमी बाल नज़र आते हैं। मुलायम चमकीले रेशमी बाल जो 13 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, उन बालों को कहते हैं मोहेयर। खरगोश के शरीर पर भी जो बारीक मुलायम एकदम बाल होते हैं, उन बालों को हम कहते हैं मोहेयर। तो मोहेयर किससे मिलता है, अंगोरा से मिलता है। चीन तिब्बत की नस्ल है मध्य एशिया के अंदर। 13 से 15 सेंटीमीटर
मुलायम रेशमी बाल मिलते हैं, उन मुलायम रेशमी बालों को मोहेयर कहा जाता है। ये मोहेयर की मात्रा जो है 2 किलोग्राम प्रति वर्ष मिलती है, और साथ ही साथ अगर इसका कोई रंग पूछे तो रंग होता है सफ़ेद, है ना। अगली महत्वपूर्ण बात कि ये जो मोहेयर है, इस मोहेयर को बाज़ार में बेचा जाता है और बाज़ार में बेचकर पैसे कमाए जाते हैं, और पैसे कमाने के कारण ही इसको कहते हैं व्यापारिक बकरी। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, तो व्यापारिक बकरी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कमर्शियल गॉट। तो व्यापारिक बकरी कौन है, तो व्यापारिक बकरी कौन है, अंगोरा। अंगोरा से मिलने वाले महीन रेशों को हम क्या बोलने वाले हैं, मोहेयर बोलने वाले हैं। कितने मिलेंगे, तो 2 किलोग्राम प्रति वर्ष मुलायम रेशमी 13 से 15 सेंटीमीटर लंबे बाल होते हैं। इन बालों को बेचकर पैसे कमाए जाते हैं, इसलिए इस बकरी को व्यापारिक बकरी के नाम से जाना जाता है। तो सानेन, सानेन के बाद में अंगोरा, अंगोरा के बाद में अगली अगर हम देखें तो हमारे पास में है न्यूवियान। देखो बच्चों, न्यूवियान है ना, न्यूवियान नाम की जो बकरी की नस्ल है, यह भी विदेशी नस्ल है, तीसरी विदेशी नस्ल हम पढ़ रहे हैं। यह उत्पत्ति है इसका कहाँ पर मिलती है, तो मिस्र, इजिप्ट, बट इजिप्ट सूडान, मिस्र इजिप्ट सूडान को हम थोड़ा सा ऐसा याद रखते हैं कि मिस न्यूवियान। तो मिस्र इजिप्ट सूडान की बकरी की नस्ल कौन है, न्यूवियान। तो मिस्र इजिप्ट सूडान की नस्ल है न्यूवियान। इस बकरी की अगर हम देखें तो इससे हमें 1.5 से 2 किलोग्राम प्रतिदिन दूध प्राप्त होता है, और उस दूध के अंदर वसा जो है सबसे ज़्यादा है, वसा होती है 5%। तो बकरियाँ जिसके दूध में सर्वाधिक वसा है वह किस नस्ल की है, न्यूवियान की। इसीलिए इसको कहते हैं बकरियों की जर्सी। वाओ, जर्सी गॉट। तो बकरियों की जर्सी कौन है, न्यूवियान है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात अगर देखें तो इसका रंग अगर देखें तो लाल काला और लाल काला कत्थई इसका रंग है। दूसरा, खास बातों में कुपोषण के लिए अच्छी है, कुपोषण के लिए अच्छी मतलब कम खाकर भी अपना गुजर बसर करा लेती है। कुपोषण, कम खाकर भी अच्छा गुजर बसर कर लेती है, इसलिए कुपोषण के लिए अच्छी मानी जाती है। लाल काला कत्थई रंग होता है। पर बकरियों सबसे ज़्यादा दूध देने वाली रानी सानेन, दूध में सर्वाधिक वसा वाली न्यूवियान, इसलिए इसको कहते हैं बकरियों की जर्सी। कहाँ से आई है, मिस्र इजिप्ट सूडान से। ठीक है, अब अगली चौथी नस्ल की तरफ बढ़ते हैं। बकरी की अगली चौथी नस्ल जो है विदेशी नस्लों में, उसका नाम है टोगन वर्ग। कुछ लोग वर्ग बोलते हैं, कुछ लोग वर्ग बोलते हैं, अपन टोगन वर्ग। टोगन वर्ग जो है वो कहाँ से आई है, देखो भैया, टोगन वर्ग आई है स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड, वही जहाँ की रानी है, रानी के साथ में टोगन वर्ग। टोगन वर्ग नस्ल है, ठीक है। टोगन वर्ग से अगर हम बात करें तो हमें प्रतिदिन लगभग 2 किलोग्राम दूध प्राप्त होता है, 2 किलोग्राम दूध ये टोगन वर्ग। हाँ, इसका रंग अगर देखें, रंग तो रंग की बात करते हैं, इसका रंग है कत्थई चॉकलेटी, ये ध्यान देना है, रंग है कत्थई चॉकलेटी। इसके पैर जो हैं घुटनों तक सफ़ेद हैं। पुराने समय में ऋषि कपूर की फिल्में होती थी नागिन वाली, उनमें वो सफ़ेद कलर के जूते पहनकर घूमता था घुटने तक वाले,
तो पैर घुटने तक सफेद होते हैं टोगन वर्ग के। ये टोगन वर्ग की कहानी है। अगर हम बात करें टोगन वर्ग की, तो टोगन वर्ग में याद रखने वाली बात है स्विट्जरलैंड से आई है। रंग कत्थई चॉकलेटी है और इसका पैर जो है वह घुटनों तक सफ़ेद पाया जाता है। खास बात इसकी है कि यह विभिन्न जलवायु में रह सकती है, विभिन्न जलवायु के लिए अनुकूल। तो विभिन्न जलवायु के लिए अनुकूल नस्ल का नाम पूछ ले तो आपको बताना है टोगन वर्ग। तो ये हमारी विदेशी चार नस्लें हो गई। अब अंत में एक और नस्ल बची है, उसका नाम है पांचवी अल्पाइन। अल्पाइन जो है वह फ्रांस की है। अल्पाइन का उत्पत्ति स्थल क्या है? फ्रांस। फ्रांस की यह नस्ल है। इसका दूध उत्पादन 2 से 2.5 किलो रहता है। इसका रंग अगर हम देखेंगे तो रंग काला सफेद होता है। रंग जो है वो काला सफेद है। उसके बाद में अगर इसकी विशेषता देखें तो यह कटीले एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। पहाड़ी, तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुकूल जो नस्ल है उसका नाम है अल्पाइन। तो हमारे पास विदेशी बकरी की 5 नस्लें हैं। एक के बाद एक देखें तो पहली सानेन है, दूसरी जो है वह अंगोरा है, तीसरी न्यूवियान है, चौथी टोगन वर्ग और आखिरी है अल्पाइन। इन सब के उत्पत्ति स्थल हमको याद होना चाहिए। सानेन का स्विट्जरलैंड है, मध्य एशिया अंगोरा का है, मिस न्यूवियान मिस्र इजिप्ट सूडान की जो है वो न्यूवियान है, और आपकी स्विट्जरलैंड की टोगन वर्ग है, और अंत में देखें तो अल्पाइन जो है वो फ्रांस की है। उत्पत्ति स्थल के बाद में इनकी विशेषताएं, जो ज़्यादा दूध देती है, ज़्यादा समय तक देती है, वह है सानेन, इसलिए उसको कहते हैं दूध की रानी। दूसरा, लंबे वाले रोएशे जो मिलते हैं उनको मोहेयर कहते हैं, और मोहेयर जो है अंगोरा से मिलते हैं। मोहेयर बेच कर हम व्यापार करते हैं, इसलिए उसको व्यापारिक बकरी के नाम से जाना जाता है। तीसरा न्यूवियान है। न्यूवियान की कहानी देखें तो इसके दूध में सर्वाधिक वसा 5% है, इसलिए इसको बकरियों की जर्सी कहते हैं। कुपोषण के लिए भी अच्छी मानी जाती है। टोगन वर्ग स्विट्जरलैंड से आई है। यह विभिन्न जलवायु के लिए अनुकूल मानी जाती है, और इसको अपन बोल सकते हैं चॉकलेटी बकरी। क्यों? क्योंकि इसका रंग कैसा है? चॉकलेटी। जैसे चॉकलेटी हीरो होता है, चॉकलेटी हीरोइन होती है, वैसे ही अपने पास में चॉकलेटी कौन है? बकरी। कहाँ से आई है? स्विट्जरलैंड से। नाम क्या है? टोगन वर्ग, और विभिन्न जलवायु में रह सकती है। उसके बाद में आखिरी में फ्रांस से आई है अल्पाइन। अल्पाइन जो है वहाँ पर अगर बात करें तो यह नस्ल पहाड़ी और कटीले क्षेत्रों में पाले जाने के लिए उत्तम मानी जाती है। तो यहाँ पर ये हमारी विदेशी बकरी की नस्लें परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, समाप्त होती है। धन्यवाद।